वैसे तो हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, खामोशी से सुबह सुबह आए थे और नूरा पे नारी खाकर चले गए थे। आज इस वक्त यहाँ की रौनकें और ही होती हैं। मैं कहता हूँ ये दूसरी दुनिया है, पुरानी दिल्ली के अंदर ही एक दूसरी दुनिया है। बेइंतहा रौनक होती है, खाने की इतनी खुशबुएं आपको हर कदम पे महसूस होंगी कि आप समझ नहीं पाएंगे अभी क्या सुनूंगा, आप क्या खा रहे हैं। हर तरह का फूड है। मैं इस वक्त बाड़े के रोड पर, कोई छोटा सा स्ट्रेच है सामने से, अगर आप आएंगे तो वो आज़ाद मार्केट वाला रोड है, पीछे ये बड़ा इंदिरा होता है, ये भी बड़ा कहलाता है, एक बड़ा इधर है एक बड़ा उधर है। प्रोग्राम ये है यहाँ आने की, वजह क्या है, हमारी एक दावत है बहुत अरसे से, वक्त की कमी की वजह से वहाँ पहुँचना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बहरहाल आज निकले हैं स्पेशली वहाँ जाने के लिए, कहाँ जा रहे हैं दो मिनट के बाद बताऊँगा, लेकिन साथ में हम लेकर चलेंगे नूरा नारी से दानियाल भाई को, और हम दोनों वहाँ चलेंगे, उनके कुछ फूड ट्राई करेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। बहरहाल चलते हैं, सबसे पहले चलेंगे दानियाल के पास, नूरा नारी पर। खाने फ्राई, मेन कोर्स, स्नैक्स, मीठे, फीके, ठंडे, गरम, चाय, लस्सी, इतनी वैरायटी है इस छोटे से स्ट्रेच पे कि आप अगर कभी शाम के टाइम आए तो मज़ा ही आ जाएगा। बहरहाल हम चल रहे हैं अभी सीधे दानियाल के पास। दानियाल के पास अगर फुर्सत हुई तो उनको ज़रूर उठाकर साथ ले जाएंगे, अदरवाइज हम अकेले जाएंगे। बहरहाल 8:25 हुए हैं और यहाँ की ये देख ख़त्म हो गई है, ये देख सुबह के लिए तैयार है। दानियाल अंदर बैठे हैं। दानियाल भाई सलाम अलैकुम, थोड़ी सी तकलीफ देने आया हूँ, मेरे साथ चलना पॉसिबल है? कितनी देर लगेगी? 5 मिनट दिए सर, 10 दिए सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, दानियाल साहब से बगैर अपॉइंटमेंट के मैं पहुँच गया और दरख्वास्त करी, लेकिन वो चल रहे हैं मेरे साथ। उनके साथ जाएंगे तो थोड़ा सा मज़ा मेरे ख्याल में इस दावत का बढ़ जाएगा, मेरे साथ साथ वो भी उनका खाना रिव्यू कर पाएंगे। ज़्यादा परोसते हुए इनको उम्र हो गई है, बल्कि नस्लें बदल गई हैं। जानल भाई 5 मिनट में आने वाले हैं, उसके बाद चलते हैं। ये जो भाप उठती हुई देख रहे हैं ना आप, इसके नीचे देग रखी हुई है, सुबह खुलेगी, अभी से लेके सुबह तक पकती रहेगी ये देग। इसकी बहार हमारे आने से पहले ख़त्म हो चुकी है, अब नहारी के ग्राहक वापस जाएंगे, नहारी ख़त्म, दानियाल भाई आने वाले। चले सर, चलिए साहब। तो दानियाल भाई, बहुत दिन से ना एक इनविटेशन था कि यार वो उन्होंने कोई नया खोला है, सफदर को जानते होंगे आप, ये गोल्डन ग्रेवी कबाब से मैंने। अच्छा जी भाई, एक मेहमान साथ हैं हमारे, ये तो हमारे तो भाई है। अरे क्या बात है, तो इनकी पहले से वाकफियत निकली, जाहिर है अहले महल्ला हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। हाँ जी, पहले तो बड़ी माजरत, आपका इनविटेशन बहुत दिन से था मेरे पास और बस वक्त नहीं मिल पा रहा था। आपका आना ही काफी है, चाहे वो कभी भी हो। नहीं भाई, जो बुलाए उसके यहाँ जरूर जाना चाहिए। आपको लाइव देख कर भाई, हमारे जो जज हैं वो ये हैं, आज ये चक्के बताएंगे। नहीं नहीं भाई, दानियाल भाई बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, चलिए साहब तो काम पे आते हैं, क्या क्या तैयार है? ये चंगेजी है। खास क्या था? तसला चिकन भाई। इन्होंने, हाँ बताना मैं भूल गया, इन्होंने बड़ी रिसर्च के बाद, बड़ी प्रैक्टिस के बाद, बहुत मुशाहिदे के बाद खास किस्म का एक अलग जायके का चिकन टिक्कट बनाया है, इसको सफदर साहब तसला चिकन कहते हैं। उसी को चखाने के लिए आज इन्होंने यहाँ पे हमें इन्वाइट किया हुआ है। वो तसला चिकन कैसा है, कैसे बनाते हैं, कुछ रिवायती तरीके हैं, कुछ मसाले नए हैं, देखते हैं कैसे बनते। कबाब ग्रेवी वाले जी। अच्छा, जो सबसे ज्यादा ये किस लिए शुरू कर रहे हैं? वही तसला चिकन, तसला चिकन के लिए हाफ डन हो रहा है। अच्छा, ये पहले से पका के रखते हैं क्या आप? नहीं नहीं, ये हम हाफ डन करते हैं और करके रख लेते हैं उसको। जो भी होता है अंगीठी पे ही होता है, अंगीठी पे होता है, बॉइल्ड तो नहीं होता, बॉइल्ड नहीं होता कुछ। ये एक अच्छी बात है, मैरिनेशन होती है, मैरिनेशन के बाद। तो ये मैरिनेट करके आपने शाम से रखा होगा, जाहिर है। सही है, तो अब ये यहाँ से सीखने के बाद फिर जाएगा ये तस्ले में और बन जाएगा तसला चिकन बन जाएगा। सही है यार, ये मेन रोड बाड़ा इंदौराव कहलाता है, और ये सड़क वाली मस्जिद यहाँ पर मशहूर है, बहुत पुरानी मस्जिद है, वो लैंडमार्क है। तो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, दानियाल दोनों मिलकर इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं, जैसा होगा वैसा बताऊंगा, आप आके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ, और कैमरा पे बताऊंगा। बिल्कुल, ये बात सही भाई, ये मर्दानगी ज़रूरी है भाई। हाँ। जी भाई, क्या क्या लग रहा है आज हमारे लिए? आपके लिए मलाई जी, तसला चिकन तो सबसे मेन, फिर कबाब ग्रेवी वाले, कबाब ग्रेवी वाले,
और मलाई टिक्का। जब आप कबाब दें जी, तो एक कबाब बगैर ग्रेवी के भी दीजिए। बगैर ग्रेवी के दीजिए। मैं एक बगैर ग्रेवी के भी देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ग्रेवी मेरे ख्याल में कबाबों के साथ ज्यादती है, लेकिन बहरहाल ट्रेंड में है, कुछ नहीं कर सकते। ये क्या लगाया सर? मलाई टिक्का। और सफदर भाई थोड़े थोड़े बिजी हैं, थोड़ी थोड़ी देर में उनसे बात करते रहेंगे। सही है जी, क्या टाइमिंग रहती है? 8 से रात के 2। चिकन शुरू हुआ। अच्छा जी, ये क्या है? दही मिला। अच्छा, कबाब आ गए। यही तसला चिकन है ना? जी सर, ये तसला चिकन। अच्छा, ये सारी वही प्रेजेंटेशन है जो सबके लिए सर्व होती है, या कुछ एक्स्ट्रा करा है? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बोल। क्योंकि फिर लोग मिला लेंगे इसको, यही प्रेजेंटेशन चाहिए भाई, वो अच्छी भी नहीं लगती ना बात। देसी घी का चिकन कौरमा हो गया, ये हो गया इनका मलाई टिक्का। मलाई टिक्के में मलाई बेहतरीन किस्म से छाई हुई है। और ये है इनके ग्रेवी वाले सीख कबाब, ये भी चिकन के हैं, ये भी चिकन के हैं, सब कुछ चिकन का है। अपना इसरार करके इनसे कहा था कि भाई कुछ कबाब बगैर ग्रेवी के भी दीजिएगा, जो कबाबों की असली फॉर्म है वो भी तो देखेंगे। साथ में सबसे ख़ास बात यह है, नूरा नहारी पर से दानियाल भाई को ले आया हूँ, और इनकी मेहरबानी एक बार कहने पर चल पड़े भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तसला चिकन से ही शुरू करूँगा, क्योंकि इसी के लिए मेनली यहाँ आया हूँ। सफदर भाई स्टार्ट करें, इजाज़त है आपकी? चलें सर, डायरेक्ट खाकर देखता हूँ बगैर रोटी के कैसा है। मक्खन बहुत ज़्यादा है, ढेर सारा मक्खन इन्होंने बाहर रखा है, लगभग कुछ कुछ जो नॉर्मली और जगह भी तसला चिकन मिलता है। ये डिश आपने पहले भी कहीं और खाई होगी, बहरहाल हम खाने को कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। बिस्मिल्लाह। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, क्योंकि पहले एक बार और ट्राई कर, हाँ आप ज़रा इसको समझ लीजिए फिर बताइए। तो ये काफ़ी यार बहुत तरह है भाई। अच्छा, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सटीक बताना है, अनबायस्ड। इस एरिया में इस टाइम पे ये बेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ कहीं और नहीं है, जो आसपास है उसके अंदर ये चीज़ कहीं और नहीं है। जामवेद पे तो आप ये खा सकते हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, सही है। बाड़मदराव में टेस्ट अच्छा है। तो ये कि मैंने जो जामा मस्जिद में ये तसला चिकन खाया था, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी था, ये थोड़ा सा माइल्ड साइड पर है। आपकी क्या राय है? आपने वो भी खाया हुआ है, ये भी खाया हुआ है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं है दोनों का, कंपैरिजन नहीं है दूसरे से, लेकिन इसके अंदर पूरी चसक है भाई, चसक है, बहुत मज़ेदार है। और एक इसके अंदर आपको चिकन का मज़ा प्रॉपर आ रहा है, मसाले उसको ओवर पावर बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक ठाक थिक ग्रेवी है नीचे, ऊपर ढेर सारा बटर भी है। अच्छी बात यह है कि पूरी तरह जलप है, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी सूट की कमीज पहन ली, किसी सूट की शलवार, है ना? अंदर बाहर से प्रॉपर सिका हुआ है, कच्चापन नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सख्त कसौटी मेरे सामने बैठी हुई है दानियाल। अच्छा, नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं, फिर उसके बाद कैमरा बंद करके बाद में खाते रहेंगे। नेक्स्ट है भाई हमारा ये मलाई टिक्का। मलाई टिक्का ये एक नई सी जगह है, चंद महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए भाई, लीजिए ना। अच्छा जी, ये मलाई टिक्का भी है, और मेरे ख्याल में एक ये जनरल सी कसौटी मेरी हर जगह रहती है दानियाल भाई जी, कि अगर एक जैसी बारबेक्यू की आइटम्स हैं और आप अलग नाम से उसको बेच रहे हैं, तो उसका जायका अलग होना चाहिए, सिर्फ शक्ल अलग नहीं होनी चाहिए। एक निवाला खाकर देखते हैं जायके में कितना जुदा है। नाइस, सॉफ्ट है, नाइस, बहुत अच्छा है, और अंदर से जूसी पन भी है इसके, हाँ, खुश्क नहीं है, खुश्क नहीं है। चिकन के आइटम्स आमतौर पर, क्योंकि ये जो गोश्त लगा हुआ है थाई का गोश्त है, वेरी नाइस। तो थाई का मीट, तो थाई का मीट, चिकन थाई होता है, सबसे ज़्यादा कीमती भी होता है चिकन के अंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, मसाले थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, ऐसा नहीं है, सेम नहीं है, हाँ आइडेंटिकल नहीं है। ये थोड़ा माइल्ड था, ये थोड़ा सा स्पाइसी है, स्पाइसी है ना, थोड़े से चटक मसाले हैं जी। नेक्स्ट आइटम लेते हैं भाई। पहले मैं कबाब लूँगा बगैर
इस ग्रेवी के, क्योंकि इसका टेस्ट पता चलेगा। हाँ, मुझे मेरे ख्याल में तो ये खैर ज्यादती है, लेकिन ये ज्यादती अब ट्रेंड में आ चुकी है। नहीं जी नहीं, ये कबाब अब इसी तरह से डेवलप हो गए कि आप जब तक इसको ग्रेवी में नहीं खाएंगे खुश्क लगेंगे, उसमें मज़ा नहीं आ रहा। ग्रेवी के साथ ही अच्छा लगेगा, ग्रेवी के साथ देखते हैं। ग्रेवी में क्रीम है, बटर है ढेर सारा, और मेरे ख्याल में दही भी होगा थोड़ा बहुत, और हल्का फुल्का मसाला है, दही और डिफरेंस है। इसको क्रीम के साथ ही लिया जाएगा, लाइट भी है। हाँ लाइट है, क्योंकि इनकी बिल्ड ही ऐसी है कि ग्रेवी के साथ ही चलें। अच्छा है कबाब भी, चिकन की तरफ आते हैं। मुझे ये बताया सफदर भाई ने कि ये देसी घी में बना रहे हैं, कोरमा है, देसी घी का है, चिकन का है, गोल्डन ग्रेवी पे मैं बैठा हूँ। गोल्डन ग्रेवी की ये गोल्डन ग्रेवी आपके सामने आ चुकी है, बाकी ज़बान बताएगी, आखिरी फैसला वही करती है, उसके अंदर किसी की नहीं चलती। भाई साथ में लें, साथ में लेते। जहाँ ग्रेवी की आइटम आ गई तो वहाँ दानियाल साहब जो है वो और ज़्यादा मेरे ख्याल में सख्त हो जाएंगे। ग्रेवी से ताल्लुक़ है इनका, नहारी भाई कौन नहीं जानता यार, नूरा नहारी हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। अच्छा जी, चिकन की क्वालिटी ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा छोटे साइज़ का चिकन हो, यानी 900 ग्राम तक का, 900 ग्राम 700-800 ग्राम। अच्छा, देसी घी का कोरमा है, चिकन में है, गोल्डन ग्रेवी में है, साथ में दानियाल भाई है। बिस्मिल्लाह करते हैं। 10 में से 7 अभी तक की आइटम है, 10 में से 10 और 9 चल रही थी, ये 7 है मेरे हिसाब से। कोरमापन कम है इसमें, बिल्कुल सर कोरमापन कम है, पका हुआ भी थोड़ा कमी है, खुशबू कम है। अगर मैं कोरमा समझे बगैर खाऊं तो अच्छा है, लेकिन कोरमा असल में मसला क्या है, जब से पैदा हुए खाते आ रहे हैं तो इसका जायका 0.1% भी इधर उधर होता है ना तो बर्दाश्त नहीं होता। बहरहाल देसी का मज़ा, देसी घी बहुत कुछ बदल देता है चीज़, वो चीज़ अलग है। ये देखिए, ये पॉइंट है, देसी घी जो होता है वो सारे मसाले नीचे करके अपना टेस्ट ऊपर छोड़ता है, खुशबू उसकी आ गई, खुशबू देसी घी की है। मसाले थोड़े से माइल्ड हो गए, माइल्ड क्या बल्कि दब गए। ओवरऑल अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे इतना पसंद नहीं आया कोरमा, बाकी सब चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। ख़ास तौर से ग्रेवी की आइटम है तो हमारे दानियाल भाई इसको ज़्यादा बारीकी से देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ट्रैवल करके बाड़े आएंगे और यहाँ पर तसला चिकन लेंगे, अच्छा तसला चिकन बन रहा है, क्योंकि तसले में इसने इसका नाम तसला चिकन रखा है उन्होंने। जल्डअप है, कंप्लीट है, पूरा रचा हुआ है, मसालों की बाकायदा शायरी है। आइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सफदर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, एक बार ज़रूर आइएगा, मेरे कहने से आ जाइए। तो बस हमेशा की तरह इसको ख़त्म करते हैं, उसके बाद बाहर जाते हुए एक बार आपसे बात करें। तो गोल्डन ग्रेवी की गोल्डन ग्रेवी हमने खा ली सफदर भाई जी, सब कुछ बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छा मुझे वाकई में तसला चिकन ही लगा आपका जी, और अनकम्पेरेबल है, सब जगह से टक्कर पे बना रहे हो आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे ये कहूँगा कि एक बार ज़रूर आइए, हम कहीं पर भी जाके खाते हैं, एक बार यहाँ आकर खा ली, अच्छा लगेगा तो आप दोबारा खुद आएंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज़ नहारी से ऑफ होने के बाद इनके कई मसरूफियात होती हैं। दानियाल बहुत बहुत शुक्रिया यार, भाइयों के लिए नहारी खाने आऊँगा किसी दिन। डन, चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। अच्छा जी, तो ये था जनाब गोल्डन ग्रेवी का गोल्डन गोल्डन सा टेस्ट। सफदर बहुत दिन से बुला रहे थे, मैं आ नहीं पा रहा था, सोच रहा हूँ थोड़ा सा पहले आ गया होता, टेस्ट अच्छा है। जो जो भी ये वीडियो देख रहा है एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इनका तसला चिकन बहुत अच्छा है। तो मुझे यानी मोहम्मद याया को गोल्डन ग्रेवी से इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत।